हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक और अच्छी स्टोरी लेकर के मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। उम्मीद करते हुए आपको अच्छी लगेगी स्टोरी। एक्स सीरीज़ की कॉमिक्स है और हॉरर जोनर में है। संजय गुप्ता पेश करते हैं मैं शैतान हूँ। जज साहब, मुजरिम के कटघरे में खड़ा चेहरे से भला लगने वाला नरेश मेहता नामक यह व्यक्ति असल में दरिंदा है, और इसका सबूत यह है कि इसने एक मासूम को घातक तेजाब से मौत का स्नान करवाना चाहा, लेकिन शायद उस मासूम की किस्मत मौत नहीं लिखी थी। तभी तो उसने अपने दादाजी से यह जिद की कि पहले वह नहाए। पोते के बाल हट के सामने एक दादा को झुकना पड़ा और नल के नीचे बैठ गए, और वह नल के नीचे बैठते ही सीधा मौत के मुँह में पहुँच गए। इसलिए जज साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कानून से खिलवाड़ करने वालों को अच्छा सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने फैसला सुनाया। यह अदालत नरेश मेहता को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाती है। उफ, मैं बेकसूर फंस गया, क्योंकि प्रोफेसर गुप्ता के पिता का हत्यारा मैं नहीं, वह शैतान है। लेकिन मेरी विडंबना यह है कि मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता। हा 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 हा, बता नरेश मेहता, बता दे सबको मेरी असलियत। लेकिन ध्यान रखना, मेरी असलियत जानने के बाद इनमें से एक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। हा 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 हा, नहीं, एक तेज चीख मारकर नरेश मेहता उठ बैठा। ओ, फिर वही सपना, फिर वही घटना। आज 6 साल गुजर जाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सभी कुछ कल की ही बात हो। मुझे हर समय लगता है कि अपने जीत के नशे में वह शैतान ठहाके लगा रहा है, और वे ठहाके मेरे कान में पिघलते शीशे की मानिंद प्रवेश करते जा रहे हो। अब तो उस शैतान की शैतान लीलाएं अपने पूरे जोर पर होंगे। उसका रहस्य जानने वाले में या तो मैं जिंदा हूँ या फिर अंजू, लेकिन हम दोनों जिस हाल में हैं और ना होने के बराबर है, क्योंकि जहाँ मैं जेल की काल कोठरी में बंद हूँ, वहीं अंजू पिछले 6 साल से कोमा की हालत में अस्पताल में पड़ी है। किसी तरह वह होश में आ जाए तो बात माने। अंजू की लंबी बेहोशी ने सिर्फ नरेश मेहता को ही नहीं, गुप्ता परिवार को भी परेशान कर रखा था। जाने कब टूटेगी अंजू की बेहोशी। कहीं अंजू सिटी हॉस्पिटल के बेड से सीधा शमशान ना पहुंचे, भगवान ना करे ऐसा हो। तभी कर स्पीकर फोन से निकलते स्वर को सभी गौर से सुनने लगे। मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर रमन बोल रहा हूँ। प्रोफेसर, आपके लिए खुशखबरी, पिछले 6 साल से कोमा में पड़ी आपकी बहन बहुत जल्द ही कोमा से बाहर निकलने होगी, और यह घोषणा एक विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर ने की है। उन्होंने दावा किया है कि छोटे से ऑपरेशन के बाद वो अंजू को ठीक कर देंगे। आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाइए, ताकि ज़रूरी कागजातों पर साइन लेकर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की जा सके। यह तो बहुत खुशी की बात है डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर गुप्ता चलने को हुए तो उन्हें उनकी पत्नी शालिनी ने रोका। ठहरिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन सन्नी को भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि मम्मी ने मंदिर जाना है। सन्नी घर पर अकेला खड़ा रह जाएगा, और उसका यहाँ रहना ठीक नहीं, क्योंकि आजकल इस इलाके से उसकी उम्र के बच्चे रहस्यमय ढंग से गायब हो रहा है। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। सन्नी, शालिनी की उस आवाज़ पर अपने कमरे में रखे फ्रिज के पास खड़ा सन्नी एकदम से चौंका। सन्नी, लड़की की आँखों में सुर्ख रेखाएँ खींचने लगी। एक झटके से फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और अरे सन्नी, सुनते नहीं हो क्या? खटाक। सीढ़ियाँ उतर कर सनी हॉल में पूछा, मैंने कितनी आवाज़ें दी, तुम क्या कर रहे थे अपने कमरे में? कुछ नहीं मम्मी, टीवी देख रहा था। आपने मुझे क्यों बुलाया? हमारे साथ चलो बेटा, आओ। कुछ देर बाद सड़क पर दौड़ती प्रोफेसर गुप्ता की कार जब सेंट्रल जेल के सामने रुकी तो शालिनी चौंकी। आपने यहाँ जेल के सामने कार क्यों रोक दी? मैं आज आखिरी बार जेल में बंद नरेश मेहता से मिलने जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे बता सकूँ कि जिस राज को वह वर्षों से अपने सीने में दबाए हुए है, वह जल्दी ही खुलने वाला है। आज नरेश अंकल से मिलने मैं भी आपके साथ चलूँगा पापा। ठीक है, आओ। जब सेंट्रल जेल के सामने कार रुकी तो शालिनी चौंकी। आपने यहाँ जेल के सामने कार क्यों रोक दी? मैं आज आखिरी बार जेल में बंद नरेश मेहता से मिलने जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे बता सकूं कि जिस राज को वह वर्षों से अपने सीने में छिपाए हुए है, वह जल्द ही खुलने वाला है। आज नरेश अंकल से मिलने
मैं भी आपके साथ चलूँगा पापा, ठीक है आओ। प्रोफेसर गुप्ता के साथ ही सन्नी कार से बाहर निकला। ये चिप्स का पैकेट किस लिए सन्नी? मैं इसे नरेश अंकल को दूंगा। जेल में? ठीक है नरेश, तुम आज भी मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह रहस्य अब रहस्य नहीं रहने वाला, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अंजू को जल्दी ही होश आ जाएगा। क्यों, तुम्हें यह जानकर खुशी तो हुई होगी? नरेश मेहता का जवाब एकदम अप्रत्याशित था। जी नहीं प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंजू के वापस लौटने वाले होश उसके मौत का कारण बन सकते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, सच्चाई है प्रोफेसर साहब, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं इसको सच्चाई को चाहकर भी साबित नहीं कर सकता। क्या है तुम्हारी मजबूरी मुझे बताओ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं आपको कुछ, अरे, अचानक बोलते बोलते नरेश मेहता सामने देख कर चौंका। वो लड़का कौन है? जवाब लड़के ही नहीं दिया। मुझे पहचाना नहीं नरेश अंकल, मैं हूँ सन्नी, आपका प्यारा प्यारा सन्नी। ओह माय गॉड, यह शैतान इतना बड़ा हो गया। कहिए अंकल, ठीक तो है ना? उफ, इसकी जलती हुई आंखें इसके बर्फ़ के मानिंद ठंडे स्वर यह दर्शा रहे हैं कि यह जल्द ही कोई शैतानी खेल खेलने वाला, लेकिन इसके खेल का शिकार कौन होगा? अंजू? हाँ, अंजू ही हो सकती हो वह शिकार, क्योंकि प्रोफेसर साहब के कहे अनुसार अंजू जल्द ही होश में आने वाली है, और चूंकि अंजू इसके वह खंजर के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसलिए वह जरूर मरेगी। लेकिन अंजू का जिंदा रहना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही जानती है कि इस समय अभिमंत्रित खंजर कहाँ है। लेकिन मैं इस जेल की चार दीवारी में रहकर उसे बताऊँगा कैसे। अपने गले में पड़े ताबीज के सिवा नरेश मेहता को कुछ नहीं दिखाई दिया। यह ताबीज यहाँ जेल में ही मुझे एक सन्यासी ने दिया था, जो झूठे केस में फंसकर यहाँ आ पहुँचे थे। उन्होंने कहा था कि यह ताबीज करामाती, देखते हैं अपनी करामात दिखा पाता है या नहीं। क्या सोचने लगे नरेश? कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रोफेसर साहब, आप मुझसे मिलने यहाँ आए इसके लिए शुक्रिया। मैं सचमुच अंजू को अपनी सगी बहन जैसा समझता हूँ। मैं अंजू की भलाई के लिए आपको कुछ दूँ तो क्या आप उसे ले जाने से इनकार तो नहीं करोगे? क्या देना चाहते हो तुम? यह ताबीज़, मेरी आस्था है कि इसके रहते अंजू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तुम जानते हो नरेश कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम अंजू को अपनी बड़ी बहन मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं इसे तुम्हारी तरफ ले जाकर अंजू के गले में डाल दूंगा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर ताबीज लेकर पलट गए। तब जो सन्नी ने नरेश मेहता से निगाहें मिली तो, आओ सन्नी चले, इसके तेवर जाहिर कर रहे हैं कि यह कोई जीती बाजी हार गया है। इसके यही तेवर देखने के लिए ही तो मैं वर्षों से तड़प रहा था। अचानक सन्नी में एक झटके से चिप्स का पैकेट नरेश मेहता के हाथ में थमा दिया। मैं चलता हूँ नरेश अंकल, मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा भी मिलेंगे। सन्नी तेजी से वहाँ से रवाना होता चला गया, पीछे छोड़ गया नरेश मेहता के पिंजरे में बंद सिंह की तरह छटपटाते हुए। ठक ठक, काश काश कि इन सलाखों ने मेरा रास्ता न रोका होता, तो यहीं मैं उस शैतान को उसके खून से नहला देता। गुस्से और झुंझलाहट में अपनी बैरक तक पहुंचा नरेश मेहता चिप्स फाड़ता चला गया। अचानक, अरे, नरेश मेहता ने पैकेट को अपने से दूर उछाल दिया। अफ नहीं, क्या देखा था उस चिप्स के पैकेट में जो उसे आश्चर्य का इतना तेज झटका लगा था? इधर सिटी हॉस्पिटल में, तुम यही दुआ बुआ के पास रहना सन्नी बेटे, हम अभी डॉक्टर से मिलकर आते हैं। अच्छा पापा, दोनों चले गए। रह गया सन्नी, वह सन्नी जिसकी लाल सुर्ख अंगारे से धकती आंखें बेड पर लेटी अंजू पर टिकी हुई थी। इसका मरना बहुत जरूरी है, इसे मारने के लिए सिर्फ इस ऑक्सीजन मास्क को इसके चेहरे से अलग करना होगा। सन्नी के हाथ ने सिर्फ हल्की सी हरकत की और अंजू बिना ऑक्सीजन के ऐसे तड़प उठी जैसे पानी के बिना मछली। सन्नी के चेहरे पर जमाने भर की दरिंदगी डेरा जमाए हुए थी। हाँ, अब ये बस कुछ देर की और मेहमान है, कुछ पलों में यह मौत की नींद सो जाएगी। सचमुच तड़पती हुई अंजू मौत से ज़्यादा दूर नहीं थी, और मौत का यह तांडव यहीं ही नहीं, सेंट्रल जेल में भी हो रहा था। मैं इस सांप की जाति को अच्छी तरह पहचानता हूँ,
यह विश्व के सबसे ज़्यादा जहरीला व छोटा सांप टाइगर स्नेक है और इस समय उस चिप्स के पैकेट से निकला है जिसे सन्नी मुझे दे के गया था। इसका मतलब यही हो सकता है कि वह शैतान मुझे इस सांप से डसवा कर मरवाना चाहता है। उफ़, ये सांप तो हवा में छलांग भी लगाता है। काल का पुतला बनकर टाइगर स्नेक एक बार फिर हवा में लहराया। उफ़, इस सांप से कैसे बचूं? टाइगर स्नेक के वार से बचने के लिए नरेश मेहता ने इस बार जो छलांग लगाई तो तड़ाक, उफ़, दीवार से टकराकर उसका सिर झंझना उठा और पल भर के लिए वह भूल गया कि इस समय उसके सिर पर जहरीली मौत मंडरा रही है। और नरेश मेहता की पल भर के लिए वही फूल उसके लिए मौत का कारण बनने जा रही थी, क्योंकि टाइगर स्नेक अपने जगह से उछलकर हवा में लहरा चुका था। अपने मौत को उस तक पहुंचने में एक पल भी तो नहीं लगना था कि तभी हो गया सर कचाक चमत्कार। हमारी दुकड़ टुकड़ों में बटकर नीचे गिरा था टाइगर स्नेक। ये किसने किया? अपुन ने, और अपुन है डिमेला। पुलिस वाले अपुन को उस समय इस बैरक में छोड़कर गया जब तुम मिलाई करने को गया था, और जब तुम वापस लौटा तो तुमने अपुन पर ध्यान ही नहीं दिया। अपुन इधर कोने में बिठेला था। अपुन ने तेरी जान खतरे में देखा तो अपुन चुप नहीं बैठा और खलास कर दिया साले को। लेकिन सच बोलेगा, अपुन को मालूम ही नहीं कि अपुन ने जो किया वह कैसे कर दिया। मालूम नहीं कि अपुन में इतनी ताकत कहाँ से आई कि अपुन ने थाली को कागज़ की माफी फाड़ कर डाला। ये जैसे भी हुआ है दोस्त, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अरे छोड़ यार, जब अपुन को तुमने दोस्त बोला तो फिर एहसान कैसा? आ, अब अपुन यह कोठरी में बैठकर अपने मज़े से बातचीत करके अपना समय गुजारेंगे। डिमेला की वजह से नरेश मेहता के सिर पर मंडराटी मौत का अंत हो चुका था, लेकिन अस्पताल में बेहोश अंजू के सिर पर मौत बदस्तूर नाच रही थी। हा 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 हा, तड़प तड़प और तड़प, कुछ पल और तड़प, हा 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 हा। तभी जाने डॉक्टर कहाँ चले गए? प्रोफेसर और उसकी पत्नी बहुत जल्दी ही वापस लौट आए। मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। कमरे में प्रवेश करते ही प्रोफेसर गुप्ता और शालिनी भौचक्के रह गए। अरे, ये अंजू के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ है। मैं मास्क उसके चेहरे पर जल्दी लगाता हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर को बुकाओ, जल्दी डॉक्टर। शालिनी की पुकार पर डॉक्टर तुरंत ही पहुँचे। शुक्र है आपने सही समय पर इसके मुंह पर मास्क लगाकर इसकी जान बचा ली। अगर एक पल की भी देरी हो गई होती तो। अचानक ठिटका, ये अरे ये क्या है? ये ताबीज इसके गले में किसने डाला? मैंने। मुझे सख्त हैरानी है प्रोफेसर कि आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान ऐसे ढकोसलों को मानता है। आप शायद नहीं जानते कि इस गंदे व पुरानी तबीयत की वजह से बहुत से कीटाणु इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं और बीमार अंजू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर ने अंजू के गले में पड़े ताबूज को तोड़कर फेंक दिया। तभी नर्स की आवाज़ ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। डॉक्टर इधर देखो, ये क्या कमाल हो गया, ये पेशेंट कोमा से बाहर आ गई है। जिसने देखा वही दंग हो। ये कैसे हुआ? 6 साल से ये कोमा में थी, अचानक एकाएक कैसे? एकाएक नहीं, इस पेशेंट को कोमा से बाहर आने के कारण इसकी थोड़ी देर पहले की स्थिति। मौत से ज़िंदगी के लिए लड़ते इसके शरीर से भी इसके मस्तिष्क की नसों को इस तरह झटका दिया गया कि अवचेतन में पहुंच इसका सारा शरीर चेतनावस्था में लौट आया। लेकिन ये जैसे भी हुआ डॉक्टर, लेकिन हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि हम तो अंजू के जीने की आशा ही छोड़ चुके थे। जहाँ पर वहाँ मौजूद प्रत्येक शख्स के चेहरे पर खुशी नाच रही थी, वहाँ पर एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जिसे चेहरे पर दरिंदगी तांडव कर रही थी, और वह शख्स था सन्नी। सालों बाद होश में अंजू की निगाह जैसे ही सन्नी पर पड़ी तो उफ़, उन अंगारों से दहकती आँखों को मैं खूब पहचानती हूँ। वे सन्नी की आँखें, और सामने खड़ा वह लड़का सन्नी है। वह मुझे मार डालेगा। भय से कांप उठी अंजू ने की वह अप्रत्याशित हरकत। भैया मुझे बचा लो भैया, सन्नी मुझे मार डालेगा। अंजू, ये क्या हुआ है? तुझे क्या आंट शंट पड़ रही है? मैं सही कह रही हूँ भैया, सन्नी मुझे मार डालेगा।
बस अंजू इससे ज़्यादा कुछ ना बोल सकी, क्योंकि ठीक उसी पल छत से लटका भारी पंखा उस पर कहर की तरह दुब रहा था। सभी तेजी से अंजू की तरफ लटके, पंखा ला उठाओ, पंखा उठाओ। अंजू मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? अंजू के गले से अटके अटके स्वर निकले। भैया तत्ती तीन खंजर मगर मच्छ आह। फिर अंजू की बोलती सदा के लिए बंद हो गई। अंजू होनी कितनी बलवान है, 6 साल से कोमा पहुंची बेचारी को होश आया। अभी कुछ ही पल नहीं बीते थे कि ऊपर से संयोग से गिरे सीलिंग फैन ने उसे मौत की गोद में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब शालिनी की आंखों से आंसू सूख गए तो इसके मस्तिष्क से घुमड़ने लगे हुए सवाल। कोमा से लौटी अनु सन्नी को देख करके चीखी गई, और उसने सन्नी को पहचाना कैसे, जबकि जिस समय वह बेहोश हुई थी तो उस समय सनी सिर्फ 3-4 साल का था, जबकि प्रोफेसर गुप्ता। कहीं ये ताबीज़ सचमुच करामाती तो नहीं? जब तक यह ताबीज़ अंजू के गले में था वह बच्ची रही, इस ताबीज़ के टूटते ही उसे मौत ने अपने आगोश में ले लिया। प्रोफेसर गुप्ता ने ताबीज़ उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर अंजू का क्रियाकर्म करने के बाद अंजू ने मरते वक्त तीन खंजर मगरमच्छ वाली जो बात कही, इसका क्या मतलब हो सकता है? जिस समय अंजू कोमा की हालत में पहुंची उस समय वह नरेश मेहता के साथ चिड़ियाघर के मगरमच्छ के तालाब में गिरी थी। मुझे चिड़ियाघर जाकर इस रहस्य की खोज करनी होगी। उधर जेल में नरेश मेहता, यार मेहता तू पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है, अपन के पास कुछ पुराना माल पड़ा है, क्या तू अपन को बताएगा कि किस तरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोकड़ा अपन के हाथ लग सकता है? क्या सामान है तुम्हारे पास? डिमेला ने सामान के बारे में बताया तो ये सामान तुम्हें कहाँ से मिले डिमेला? अरे अपन जैसा आदमी ऐसा माल चोरी के सिवा और कहाँ से लाएगा? को रमेश नाम का आदमी था जिसके घर में अपन चोरी करने घुस गया, पट्टे ने उस सामान को अपने मकान के नीचे बने तहखाने में छिपा कर रखा था। वह सारा सामान इस समय कहाँ है? अपन के पास ही है। अपन ने उसे बड़ी हिफाजत से शहर से बाहर स्थित वीरान खंडहर के तहखाने में छिपा कर रख दिया है, जिसकी चाबी मैंने अपनी खोली में छोड़ रखी है। लेकिन अपन उसे बेच पाता, उससे पहले एक सन्यासी ने अपन को पुलिस से पकड़वा दिया। डिमेला की बातों ने नरेश मेहता के शरीर में सनसनी का तूफान सा दौड़ा दिया था। डिमेला जिस पुराने सामान की बात कर रहा वह सारा सामान वही है जिसे रमेश म्यूजियम से चुरा लाया था, और उसके बल पर रक्त प्यासा बन उठा था। उसी सामान मौजूद पांडुलिपि में घंटीरा नामक शैतान को मारने की विधि लिखी हुई थी। अब चूंकि उस खोए सामान का मुझे संयोग से पता चल चुका है, इसलिए मैं उसे समाप्त करने में सफल हो चुका हूँ, सो सकता हूँ। विस्तार से जानने के लिए पढ़े रक्त प्यासा, लेकिन इसके लिए जेल से बाहर निकलना जरूरी है, और जेल से बाहर मैं निकलूँगा 4 साल बाद, क्योंकि मेरी सज़ा पूरी होने में अभी इतना ही समय बाकी है। तभी नरेश मेहता, चलो तुम्हारी रिहाई का आदेश है, जेलर साहब ने तुम्हें बुलाया है। एक पल के लिए नरेश मेहता को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आया। मेरी रिहाई का आदेश, ये तो कमाल हो गया है। इंडिया के जेल में कब क्या कमाल हो जाए ये कोई नहीं जानता दोस्त, जाओ रिहाई मुबारक हो। अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारी बीवी बच्चों तक तुम्हारी खबर भी पहुंचा दूंगा, और जब तुम छूटकर बाहर आओगे तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। वो सारा सामान हासिल करने के लिए इसके घर का पता लगाना होगा। अपुन की खोली का पता अक्खा रामनगर जानता है, वहाँ जाकर किसी से पूछ लेना, वो तुम्हें अपुन के घर छोड़ाएगा। नरेश मेहता गार्ड के साथ चल दिया। अच्छा दोस्त, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। जल्द ही नरेश मेहता जेल से बाहर था। मेरी रिहाई किसी चमत्कार से कम नहीं है, अब मुझे इसका भरपूर फायदा उठाते हुए डिमुला के घर से उस सामान को प्राप्त करने के लिए पहुंचना चाहिए सेंट्रल जेल। रामनगर के इलाके में पहुंचकर नरेश मेहता को डिमेला का घर ढूंढने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
वही है डिमेला का घर। उस दरवाजे के सामने खेलती बच्ची शायद उसकी लड़की है। नरेश मेहता लड़की के पास पहुंचा। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटे? पड़ोस की आंटी के पास गई है। लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। ज़रा अपने मम्मी को बुला लाओ, मुझे उन्हें तुम्हारे पापा के बारे में बताना है। ठीक है मम्मी, आप अंदर चलकर बैठिए, मैं मम्मी को अभी बुला कर लाता हूँ। बच्ची एक तरफ दौड़ गई तो नरेश मेहता तेज़ी से घर में दाखिल हुआ। और बच्ची जब तक अपनी मम्मी को लेकर वापस लौटे, तब तक मुझे उस मकसद में कामयाब होना है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। नरेश मेहता ने तेज़ी से घर के चप्पे चप्पे को छानना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी ले ली, लेकिन मुझे वो चाबी कहीं नहीं मिली। तो क्या डिमेला ने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, उस स्थिति में डिमेला मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था। वह चाबी ज़रूर यहीं कहीं होगी, लेकिन कहाँ? नरेश मेहता के सवाल का जवाब मानो किसी खुदाई मददगार ने दिया। ओह, इस पत्थर का ज़मीन में धंसना यह साबित करता है कि यहाँ की ज़मीन भुरभुरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब यहाँ गड्ढा खोदा गया हो। और घर में गड्ढा तभी कोई खोदता है जब उसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ छुपानी हो, और ऐसी चीज़ वह चाबी हो सकती है। नरेश मेहता की मेहनत रंग लाई, यह रही चाबी। चाबी हासिल करने के बाद नरेश मेहता वहाँ एक पल भी नहीं रुका। डिमेला की पत्नी और उसकी बच्ची को आने से पहले ही मुझे यहाँ से दूर निकल जाना है। जल्दी ही नरेश मेहता डिमेला के बताए खंडहर के तहखाने में सारा सामान बरामद कर चुका था। यह सामान लेकर अब मुझे प्रोफेसर के घर पहुँचना है, और अब अंजाम चाहे जो भी हो उन्हें सारी बात बता देनी है। नरेश मेहता जब प्रोफेसर गुप्ता के घर पहुंचा तो शालिनी उन्हें देखते ही बेफर उठी। हत्यारे, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर आने की? चले जाए यहाँ से। आप मुझे गलत समझ रही हैं भाभी जी, और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा। प्लीज़ आप मुझे बताएं कि प्रोफेसर साहब इस समय कहाँ है? इस समय किसी ज़रूरी काम से चिड़ियाघर गए हुए हैं। ठीक है, मैं उससे वहीं जाकर मिल लूँगा। सन्नी नहीं दिख रहा, कहाँ है वह? वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है, लेकिन तुम उससे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने चाहती कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। अब तुम जा सकते हो। धम उफ, शालिनी भाभी तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मुझे प्रोफेसर साहब से मिलने चिड़ियाघर जाना होगा। उसे जाता देख शालिनी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ चला गया, अगर अंदर आ जाता तो जान जाता कि मैंने सन्नी के बारे में उसे झूठ बोला था। असल में सन्नी अपने कमरे में है, लेकिन मैं उसे सन्नी से नहीं मिलने देना चाहती। वह शुरू से ही सन्नी के पीछे पड़ा हुआ है, पर यह बात सन्नी को भी बता देता हूँ ताकि वह सावधान रहे। सीढ़ियाँ चढ़कर शालिनी सन्नी के कमरे में पहुँची। लगता है कमरा तो खाली है, सन्नी कहाँ गया? आगे देखती हूँ। जल्दी ही उसे सन्नी नज़र आया। वह रहा अपने फ्रिज के पास, लगता है कुछ खा रहा है। शालिनी के कंठ से एक दहशत भरी चीख उबल उठी। खून से लथपथ चेहरा लिए एक झटके से नीचे पलटा लड़का। नहीं, ये मेरा सन्नी नहीं, ये तो कोई शैतान है। शैतान? हाँ, शैतान ही हूँ मैं, लेकिन मेरा यह राज जानने के बाद अब तू जिंदा नहीं रह सकती। पलभर में ही सन्नी शालिनी के पीठ पर सवार था। आह सन्नी, छोड़ दे, मैं तेरी माँ हूँ। आह बेवकूफ औरत, मैं सन्नी नहीं शैतान हूँ। शैतान? हा, कच्चाक। हा, मैं हूँ शैतान। हा। अचानक सन्नी के ठहाकों पर हावी होती चली गई उस गिद्ध की कर्कश। क्री 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 क्री, बुरी तरह चौक उठा चिकनी। घायल अजगर की मानिंद फुफकारा। ओह, तुम्हें उसके पीछे लगाना काम नहीं है। वह सचमुच मेरी मौत का सामान ढूंढता फिर रहा है, लेकिन शायद वह नहीं जानता कि गंटीरा को मारने की सोचने वाला खुद मारा जाता है। जा अपने और साथियों को लेकर आ गिद्ध, आज मेरी तरफ से तुम सबको भरपेट इंसानी मिंस खाने को मिलेगा। राजनगर का चिड़ियाघर।
लगता है आपको उस तालाब के मगरमच्छों से कुछ खास ही लगाव है प्रोफेसर गुप्ता। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर राजन, असल में मगरमच्छों वाले उस तालाब में कोई महत्वपूर्ण वस्तु ढूंढना चाहता है जो शायद आज से 6 साल पहले एक दुर्घटना में गिर गई थी। आपको जिस वस्तु की तलाश है कहीं वे 3 विचित्र किस्म के खंजर तो नहीं? हाँ हाँ वही खंजर चाहिए मुझे। लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता चला? दरअसल 5 साल पहले हमारे चिड़ियाघर के तालाब का एक मगरमच्छ रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसके पेट में से एक लेडीज हैंग बैग निकला जिसमें से वो 3 खंजर मौजूद थे। वे खंजर आज भी चिड़ियाघर में रखे हुए हैं। मैं उन 3 खंजरों को ले जाना चाहता हूँ मिस्टर राजन। मुझे लगता है कि उन खंजरों की वजह से कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। ठीक है। कुछ ही देर बाद हैंडबैग सहित 3 खंजर प्रोफेसर गुप्ता के हाथों में थे। जिस हैंडबैग से ये 3 खंजर निकले हैं वह अंजू का था, लेकिन अंजू का इन खंजरों से क्या संबंध है? सवालों की चट्टानों से मस्तिष्क को टकराता प्रोफेसर गुप्ता अपने घर पहुंचा तो अरे ये क्या हो रहा है? घर के सामने आंगन में गिद्ध और कुत्तों ने जमघट क्यों लगा रखा है? क्या हुआ है यार? आश्चर्य के सागर में गोते लगाते प्रोफेसर गुप्ता जैसे ही कार से उतरा आगे बढ़े तो उन्हें जो नज़र आया सामने उनकी आँखों को उछलने पर मजबूर कर दिया। ये तो किसी की लाश को नोच रहा है। अरे वह लाश तो शालिनी की है। ओ माय गॉड, सन्नी ने शालिनी को भी मार डाला? हाँ मार डाला। मैंने इसे मार डाला और छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं, क्योंकि तुम ना केवल मेरा रहस्य जान गए हो बल्कि मुझे मारने के लिए अभिमंत्रित खंजर भी लाया हो। ओह, आखिर तूने अपना शैतानी रूप दिखा ही दिया। मेरा यह शैतानी रूप देख कर के तुम अब जिंदा नहीं रहोगे प्रोफेसर गुप्ता। भड़ाक ठाक, सन्नी के पाँव की हल्की सी ठोकर से गमला ठीक प्रोफेसर गुप्ता की खोपड़ी से जा टकराया। अपने आप को संभालते प्रोफेसर गुप्ता की तरफ खूंखार ढंग से बढ़ा सन्नी, तुम्हारी पत्नी की तरह अब तुम्हारा भी शरीर मेरे साथियों की भूख मिटाएगा। ओह यह क्या हुआ? अचानक मेरे पास पहुंचने से पहले मैं ठीक ठीक कर क्यों चीखने लगा? सन्नी के झटके से पीछे हटने के साथ प्रोफेसर गुप्ता को अपने ही सवाल का जवाब मिल गया। मेरी जेब में वह ताबीज पड़ा है जो नरेश मेहता ने मुझे अंजू के गले में डालने के लिए दिया था। उसके प्रताप से यह मेरे पास नहीं फटक पाया और उसकी यह बात ये साबित करती है कि यह ताबीज उसकी बहुत बड़ी कमजोरी और मेरी बहुत बड़ी ताकत है। प्रोफेसर गुप्ता ने ताबीज की जो अपनी जेब से निकाल कर अपने समाज के सामने ला रहा तो सन्नी चीख मारता हुआ कई कदम पीछे हटा। उसी मौके का फायदा उठाते प्रोफेसर गुप्ता ने पास ही पड़े हुए खंजर उठा लिए और अब अपने हाथों से ये 3 खंजर मैं तेरे सीने में घोंप कर तेरांत कर दूंगा शैतान। आई इस ताबीज को पीछे हटाओ इसे वरना मैं जल जाऊंगा। आह, सन्नी की इस चीख ने किसी और का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूसरे ही क्षण शाबाश गिद्ध एक झपट्टा मारकर ताबीज अपने हाथ ले उड़ा। इसी के साथ पलट गई बाजी। फड़ाक, पागल सांड सा सन्नी प्रोफेसर गुप्ता से टकराया। अब तुम्हारे पास ताबीज शक्ति नहीं है, अब तुम्हें मेरे हाथ में मरने से कौन बचाएगा? पागल सांड से सन्नी प्रोफेसर गुप्ता से जा टकराया। नरेश महता, प्रोफेसर साहब को मैं बचाऊंगा शैतानी इस अभिमंत्रित फरसे से तेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके। नरेश महता, तुम तो जेल में थे फिर यहाँ पे कैसे? यह एक लंबी कहानी है प्रोफेसर, बाद में बताऊंगा। पहले वह सब बताने से ज़्यादा ज़रूरी है शैतान को ख़त्म करना।
यही शैतान मेरी मजबूरी थी प्रोफेसर साहब, मैंने वर्षों से इसका राज इसलिए छिपा रखा क्योंकि जिसको भी इस शैतान के बारे में पता चल गया उसे इसने ख़त्म कर दिया। तुम सबकी जान बची रहे इसलिए मैं हर जुल्म को सहकर भी चुप रहा, लेकिन आज यह शैतान हमेशा के लिए चुप हो जाएगा क्योंकि अपने हाथ में थमे अभिमंत्रित खंजरों और मेरे हाथ में थमे फरसे से हरगिज नहीं बच पाएगा। क्रोध में भभकते हैं नरेश मेहता की निगाह जब सन्नी पर पड़ी तो मानो उसे तेज करंट लगा। मौत इसके सर पर नाच रही और यह अभी भी मुस्कुरा रहा है, इसके मुस्कुराने में जरूर कोई राज है, मुझे सावधान रहना होगा। नरेश मेहता के सावधान होने से पहले सन्नी के मुस्कुराने का राज समझ में आ गया। उफ, इस समय इस बिल्ली के तेवर कितने खूंखारनाक किसी खूंखार शेर से भी अधिक खतरनाक हैं। इसकी ज़रा से भी मौका मिल गया तो ये मुझे चीर फाड़ कर फंस कर रख देगा, इसलिए इन्हें ख़त्म करने का कोई भी मौका चूकने का मतलब मौत दे, बस सीधी बात है, जो जैसे आ रहा है वैसे उसको करते जाना चाहिए। खतरनाक बिल्ली को उसके अंजाम तक पहुंचाकर अब हिंसक भाव लिए नरेश मेहता और प्रोफेसर गुप्ता के बीच में फंस कर रह गया सन्नी। आज तुझे तेरी कोई भी शैतानी शक्ति नहीं बचा सकती शैतान, अब होगा तेरे शैतानी जीवन का अंत। प्रोफेसर गुप्ता के हाथों में अभिमंत्रित खंजर और नरेश मेहता के हाथ से पवित्र फरसा हवा में लहरा उठे। दूसरे ही क्षण एक चीन वातावरण में दूर तक गूंजी और खच्चाक आह, खच्चा की आवाज़ के साथ धड़ से अलग हुई गर्दन दूर तक लुढ़कती चली गई। तो गाइस यहाँ पे मैं शैतान हूँ कॉमिक्स की स्टोरी ख़त्म होती है। इसकी प्रीवियस स्टोरी और इसके बाद की स्टोरी मैं जल्दी अपने व्लॉग्स में अपलोड करूँगा। तो जिन भाइयों बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर अवश्य कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।